मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी ना किसी का शव दाह हो रहा होता है। हर रोज यहाँ 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ भगवान शिव अपने औघर स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। इस घाट की गणना काशी के पंचतीर्थों में की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव तथा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुओं सेक्स वर्कर हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा श्मशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि श्मशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहां नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। ये परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहां से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कुंड से निकली प्रतिमा, प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट पर अघोरी श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना करते हैं। वे शवों को खाते हैं और खोपड़ी में पानी पीते हैं, जिससे उनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। वे अधजली लकड़ियों पर मछली भी पकाते हैं और खाते हैं। चारों ओर चिताएं सुलगती हैं। कोई चिता के पास नरमुंड का जाप कर रहा होता है तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश कर रहा होता है। वहीं कुछ मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में भोजन का सेवन करते हैं। ये होती हैं अघोरी की क्रियाएं, यानी जिसे हम अपनी दुनिया में अपवित्र मानते हैं वहीं अघोरी के लिए ये पवित्र है। वे इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं, कई तो मलमूत्र का भी भोग लगाते हैं। अघोरी
हिंदू धर्म के भीतर एक संप्रदाय है जो अपरंपरागत प्रथाओं और मान्यताओं का पालन करता है। वे भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं और सांसारिक जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा मशाननाथ मंदिर में महाकाल के औघद्य रूप की पूजा होती है। महाकाल को दही से नहलाया जाता है, उन पर चिता की भस्म से त्रिमुंड और ओम बनाया जाता है, फल मिठाई के साथ गांजे का भोग चढ़ाया जाता है। कई भक्त महाकाल पर इस दौरान शराब भी चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर अघोरियों का घर है, यहाँ के डोम और अघोरियों के बीच गहरा रिश्ता है। रात के 9 बजे के बाद बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर अघोरियों का जमघट लगता है। माता सती का अंतिम संस्कार। माता सती की चिता को यहां जलाया गया था और कहा जाता है कि अंतिम संस्कार भगवान भोलेनाथ ने किया था, इसलिए इस घाट को महाश्मशान घाट के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट पर कभी भी अग्नि यानी आग नहीं बुझ सकती और जिस दिन ऐसा होगा वह दिन महाप्रलय का दिन होगा। पंचकोशी यात्रा भी यही से प्रारंभ होती है। मणिकर्णिका घाट पर आपको एक विचित्र या यूं कहें कि बनारस का सबसे अनोखा मंदिर स्थित है जिसे काशी करवट के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पूरी तरह से खड़े ना होकर ये झुका हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यदि माँ गंगा का पानी यदि इसकी शिखर को छू ले तो पूरा बनारस ही डूब जाएगा। तो ये थी मणिकर्णिका घाट की कुछ रहस्यमयी बातें। जो भी आपकी राय है वह कॉमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।